और आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो गाइस आज अपनी गाड़ी जा रही है फर्स्ट सर्विस के लिए। गाड़ी की कंडीशन आप देख लो, बहुत ज़्यादा ही गंदी है। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रखी है, बारिश भी हो रही थी तो उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें हुई हैं। आप देख सकते हो गाड़ी बहुत गंदी है। मैं आपको एक बार गाड़ी की कंडीशन दिखा देता हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे गाड़ी सर्विस के बाद कैसी लगती है। अभी गाड़ी आप साइड बाय साइड आप देख लो कैसी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा गंदी है। एक तो बारिश की वजह से चीज़ें और भी ज़्यादा शॉर्ट हो जाती हैं, गंदी हो जाती है। आप देख सकते हो ग्लास वगैरह भी इसका काफ़ी ज़्यादा गंदा है, साइड पैड चढ़ने वाला हो गया। अभी अंदर चल के देख लेते हैं गाड़ी का क्या कैसा है। अंदर से अगर मैं दिखाऊँ आपको, पूरे गाड़ी में पूरा डस्ट डस्ट है, इसमें पूरी जगह डस्ट डस्ट है। यहाँ देखोगे तो आप, यहाँ गंदी, ऐसा लग रहा है कि अपन जैसे कमर्शियली गाड़ी चलाते हैं उसमें सामान वामान ढोते हैं, उस टाइप से गाड़ी लग रही है कुछ। अभी चीज़ें देख लो आप, ये यहाँ काफ़ी गंदी है, ये पूरा यहाँ पे गंदा है, साइड बाय साइड गंदा है। अभी मैं पीछे का खोल के आपको दिखा देता हूँ। ये अभी एक तो ये इतना ज़्यादा टाइट हो गया ना, ये चीज़ आप देखो, ये भी इसका काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा है। यहाँ पे सब कुछ रेत वेत आ गई है, और आप देख लो यहाँ से ये सब गाड़ी देख लो, यहाँ पे भी काफ़ी गंदा ही, ऑलमोस्ट पूरी गाड़ी ही गंदी हो चुकी है। यहाँ पे ये देख लो आप, यहाँ पे गंदी हो गई है। पीछे की बात करो तो पीछे भी आप देख लो, पीछे से कुछ ऐसी है, साइड मिरर्स ऐसे हैं। अगर मैं इसको देखो, मैं आराम से बंद करता हूँ ना, तो ये यहाँ पे आके फंस जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें डस्ट हो चुका है। इसको मैं अच्छे से बंद कर देता हूँ, पीछे से एक बार गाड़ी दिखा देता हूँ। पीछे से कुछ ऐसी गाड़ी हो रखी है, पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा गंदी है। और यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो आप चेसी वगैरह भी इसकी देख लो, ये सब चीज़ें भी काफ़ी गंदी हो रखी है। अभी इसके बाद चलते हैं सर्विसिंग सेंटर, अगर वहाँ वीडियो बनाने की परमिशन अपन को मिलेगी तो वहाँ का ही वीडियो डाल देंगे, वरना फिर सर्विस होके गाड़ी आएगी उसके बाद का वीडियो देखते कैसा रहता है। गाड़ी सर्विस होके आ गई है और ये डे टू है। कल गाड़ी मैंने डाली थी लेकिन कल रात हो गई थी आते आते, तो वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती और चीज़ें मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो नहीं दिखा पाता, इसलिए मैं आज बना रहा हूँ। गाड़ी आप देख लो, गाड़ी ने काफ़ी अच्छे से बढ़िया से धो दी है, पॉलिश वॉलिश मार दिया है काफ़ी अच्छे से। ये वाला नहीं किया कि डैशबोर्ड पॉलिश पूरी गाड़ी मारी, ऐसा नहीं है, अच्छे से मारा है, हर चीज़ शाइन कर रही है। और अगर मेरे को लेफ्ट प्रोफाइल से दिखाऊँ ना गाड़ी, तो आप देखो यहाँ से काफ़ी सही तरीके से शाइन वगैरह कर रही गाड़ी, यहाँ से आप वाइट पोर्शन आप देखोगे बड़े अच्छे से। अभी चलते अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा गाड़ी जो है ना वो अंदर गंदी थी। अभी अंदर की चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, गेट अपन ओपन करते हैं और अंदर का कुछ ऐसा सीन है। अभी ये सब चीज़ें इन्हें काफ़ी सही से साफ़ कर दी, इन्हें मैट तक में मस्त तरीके से बढ़िया पॉलिश कर दी थी। यहाँ पे कुछ ये ऐसा पेपर वगैरह दे दिया ऐसे कि जल्दी से गाड़ी गंदी ना हो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा दे दिया है। और पूरी गाड़ी इन्हें ऑलमोस्ट पूरी साफ़ कर रखी थी, साफ़ करी है मतलब, यहाँ भी अच्छे से पॉलिश वगैरह मार दिया था, ये सब भी अच्छे से कर दिया था, हर चीज़ ही ऑलमोस्ट अच्छे तरीके से कर दी थी। अभी मैं गाड़ी आपको दिखा देता हूँ पीछे से भी, तो पीछे से कैसा क्या सीन है। गाड़ी आप देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी कैसी साफ़ हुई है। हर चीज़ इनने अच्छे से सॉर्ट कर दिया, पूरा अच्छे से ही साफ़ किया है। लेकिन ये चीज़ मेरे को पता नहीं कि इन्हें अच्छे से करी है कि नहीं करी है, क्योंकि परमिशन वहाँ मिली नहीं थी वीडियो बनाने की और रुकने की भी, तो हम लोग वहाँ पर रुके नहीं थे, 10-15 मिनट रुक के आ गए थे, गाड़ी शाम को लेने गए थे, फिर रात में मतलब हो गए थे, रात ही हो गई थी। अभी कुछ यहाँ पे हो गया, ये पता नहीं है उनसे लग गया या पहले से था, आई डोंट नो। बाकी गाड़ी वगैरह उनने अच्छे से साफ़ कर दिया, वहाँ पे भी कुछ गंदा वंदा था वो भी साफ़ कर दिया इनने, और सीट वगैरह भी अच्छे से ही कर दिया। और ये चीज़ अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई जो कि मैं अभी बता रहा था, ये जो है ना ये फंस जाता है, देखो फंस गया ना। अभी ये पता नहीं ग्रीसिंग कम है कि क्या है, ग्रीसिंग वगैरह लेकिन इन्होंने करी है एक्चुअली, ये देखो आप ग्रीसिंग वगैरह इन्हें कर दिया, हर चीज़ करा इन्हें। मे भी हो सकता है कि कुछ ये इसकी वजह से हो, या फिर गेट का अलाइनमेंट ही कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आ गया, तेज़ी से किसी ने बंद कर दिया तो उसकी वजह से हो गया हो। अभी मैं आपको उधर से भी चल के दिखा देता हूँ एक बार कि उधर से कैसा है, अभी इधर से लॉक ना हो बस। अभी ये देखो आप, ये चीज़ है यहाँ पे, ये देखो इधर भी साफ़ कर दिया, लेकिन ये पता नहीं मेरे को साफ़ करने के बाद ये सब चीज़ें आई हैं या फिर अभी से आ गई हैं ये सब चीज़ें। ये वाला अच्छे से बंद हो जाता है, उधर वाला थोड़ा सा फंस रहा है। बाकी गाड़ी आप देखो पूरा, इसमें भी हल्का सा पॉलिश मार दिया था, अभी बारिश वारिश से गंदी थी तो कपड़ा मरवा दिया था, हो सकता है कि छूट वूट गई हो। अभी ये सब चीज़ें हैं, इसको बंद कर लेते हैं। हर चीज़ इनने अच्छे से कर दिया, ये अपना को पैसेंजर साइड है, यहाँ पर आप देख लो इस एंगल से भी देख लो, ये सब चीज़ें भी इनने अंदर अच्छे से साफ़ ऑफ कर दिया था। और ये अभी मैं बताता हूँ, ये चीज़ इनने दी, अभी मैं अच्छे से बैठ के बताता हूँ कि चीज़ें क्या थी।
बाकी अच्छे से ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह हर चीज़ कर दी है। और मैं चीज़ें बताता हूँ कि इसमें करते क्या क्या हैं अभी फर्स्ट सर्विस में। अभी ये देखो इसमें सब में ग्रीस वीस अच्छे से लगा दिया है, बाहर नॉइस आ रही है, मैं अच्छे से अंदर बैठ जाता हूँ, दरवाज़ा अपन बंद वगैरह कर लेते हैं, फिर अब बात करते हैं अच्छे से, सीसे डाउन कर लेते हैं। गाड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी चल गई है इसमें 644 किलोमीटर चल गई है, मीटर वगैरह अच्छे से साफ आप कर दिया, हर चीज़ साफ़ कर दिया है, ये भी इनने साफ़ कर दिया था। अभी मैं चीज़ बताऊँ फर्स्ट सर्विस की ना, तो फर्स्ट सर्विस में एक्चुअली हुआ क्या कि एक तो कॉल आता है जो कि अच्छी बात इनकी है, कॉल वगैरह सब कर देते हैं। हमने गाड़ी 100 किलोमीटर दूर से उठाई थी, लेकिन हमारे घर के पास भी एक एजेंसी है 20 किलोमीटर पे, तो वहाँ से हमको कॉल आ गया था कि आप आ जाओ सर्विस वगैरह करवा लो, वो चलो वो चीज़ एक अच्छी हो गई थी। और दूसरी चीज़ क्या थी ना कि जैसे बंदा वहाँ पर जाता है तो जैसे कस्टमर को हैंडल करते हैं, हर चीज़ जो करते हैं ना, वो इनकी मेरे को बहुत बेटर लगी। वो अच्छे से बता देते हैं कि आप ये सब कर लो, और थोड़ी बहुत अपनी स्कीम वगैरह भी बताने लगते हैं कि आप सर्विस वगैरह के लिए ये वाला पैकेज ले लो, ये ले लो, तो थोड़ा सर्विस अगर आपको थोड़ा कॉस्ट मतलब इसकी कम हो जाएगी। तो मैं बोला चलो ये भी सही है, ये सब चीज़ें बता रहे थे। बाकी कस्टमर हैंडल करने का, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बहुत सही है, आफ्टर सेल सर्विस तो अभी फ़िलहाल तक अभी 1 महीने हुए गाड़ी ली है, अभी तो फ़िलहाल अच्छी लग रही है मेरे को, हर चीज़ अच्छी है। चीज़ें बोल दो तो वो कर देते हैं वो लोग, ऐसा नहीं रहता कि नहीं करते, उनको बोल दो ना कि हाँ ये गंदा हो गया या ये गंदा हो गया, तो ऐसा नहीं रहता कि क्या बोलते हैं कि बोल दे कि अभी हाँ कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ ये नहीं हुआ, कर देते हैं, बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर नहीं भी हुआ रहता ना गाड़ी आप दोबारा लगा देंगे, बोलेंगे अभी आपकी करके सब चीज़ें दे रहे हैं। अभी मैं बताऊँ इसमें कॉस्ट की ना, तो अभी हम लोग गए ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ें हुई कि अपना वो सब जो बिल बुक वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज़ें रहती है वो सब अपना बनाओ, पेपर वर्क वगैरह हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं इसमें कुछ पैसे लगेंगे, तो मैं बोला भाई पैसे किस चीज़ के लगेंगे, तो उन्होंने बोला कि कुछ वॉशिंग वगैरह के बस लगेंगे, और पैसे आप कॉस्ट सुनोगे तो आप बोलोगे ये भी कोई पैसे, मतलब 45 रुपये उन्होंने लिया बस, 45 रुपीज़ बस लगा, बाकी और कुछ भी नहीं लगा, वो भी पता नहीं किसी चीज़ का रहा होगा, आई डोंट नो। और 45 रुपये में ये भी उन्होंने दे दिया, ये पता नहीं इसका मेरे को प्राइस कितना इसमें डला हुआ है, प्राइस आप देखो इसमें करीब कितना 17 रुपये कुछ लिखा हुआ है इसका, आई डोंट नो क्या चीज़ है, अभी ये सब चीज़ें मैंने देखी ही नहीं है। तो मैं बोले 45 रुपये लिया, चलो ठीक है वो सब ठीक है, बाकी चीज़ें इनने अच्छे से कर दी, हर चीज़ अच्छी है। पॉलिश मैं बोलूँ ना तो यहाँ पॉलिश मार दिया, हर चीज़ अच्छे से पॉलिश कर दिया, इवन यहाँ तक इनने पॉलिश करके दिया, ये जो चीज़ रहती ना ये पॉलिश करके दिया, यहाँ पे ये सब गंदा बंदा था थोड़ा थोड़ा, अभी भी शायद थोड़ा सा दिख रहा आपको, तो वो सब साफ़ करके दे दिया, अंदर से पूरी इंटरनल क्लीन करके दे दिया। आपने पहले गाड़ी की कंडीशन देखी थी कैसी थी, तो अगर मैं अपने फर्स्ट मतलब सर्विस की बात बताऊं तो वो अच्छा ही मेरे को लगा, इसमें कोई मेरे को ऐसे बेकार नहीं लगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि एक दो चीज़ें हो सकता है उन्होंने मिस कर दी हो, और रात भी हो गई थी तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक तो पहले ये चीज़ अपनी, ये जो है ना ये ब्रेक पैड हो गया, ये आवाज़ करता है, मैं आपको एक काम करता हूँ गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, ये देखो ये चीज़ ये आवाज़ करती है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो पीछे वाला अपना ये डोर जो है, ये जो डोर है अपना ये है ना, ये थोड़ा स्लाइडिंग में फंस रहा है, अगली बार जाएंगे अगली सर्विस में तो वो सब चीज़ अपन बता देंगे। बाकी हर चीज़ अच्छी थी, पूरा अच्छे से हर चीज़ किया इनने, कोई दिक्कत नहीं। और गाड़ी मैं बताऊँ ना, हमने करीब 12 बजे खड़ी करी थी, 12 बजे नहीं 2 बज गए थे गाड़ी खड़ी करते करते, और इनने करीब 6 बजे करीब दे दी थी गाड़ी, 3-4 घंटे में दे दिया, ज़्यादा टाइम ही नहीं लिया। और ऊपर से वहाँ पर गाड़ी कम से कम 40 से 50 गाड़ियां लग गई थी, तब भी 4 घंटे में दे दिया, जो कि अच्छा मेरे को चीज़ लगा, जल्दी कर देते, ये नहीं कि क्या बोलते अभी कल ले लेना या जो भी है, ये सब पेंडिंग वाला काम नहीं है, ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा। मारुति की मेरे को तो लगता है कि बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस है गाड़ी की, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो आप बता देना कमेंट वमेंट करके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भी जो चीज़ें मेरे से मिस हो गई होंगी तो बता देना, वो भी अपन अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी अगर मैं बताऊँ अच्छे से, देखो पहली सर्विस में बताता हूँ मैं चीज़ें, मैं थोड़ी सी भूल गया था, पहली सर्विस में क्या होता है कूलेंट टॉप अप होता है डिस्टिल्ड वाटर से, अगर कम हो जाता है, और इतना जो क्या बोलते हैं इंजन ऑयल रहता है वो टॉप अप होता है, और जनरल चेकअप होता है गाड़ी का, टेक्निकलिटी का हर चीज़ का होता है, ABS वगैरह ये सब चालू है, जो आप ये सब चीज़ें देखते ना, ये सब चीज़ें मतलब एक्चुअली में वर्किंग है या कोई इसमें डिफॉल्ट वगैरह मतलब फॉल्ट वगैरह तो नहीं आ गया, वो सब चेक होता है, वॉश होती है गाड़ी, पॉलिश होती है, जनरल चेकअप वगैरह होता है, बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगली सर्विस होती है उसमें अपन देखते हैं बताएंगे क्या होता है, उसमें सब इंजन वगैरह अपना सब बदलता है, वो सब चीज़ें अपन देखेंगे अगली सर्विस में। तो चलो जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।